अच्छा ये बताओ तुम मेरी बेटी को खुश तो नहीं रखते हो दामाद जी? नहीं आप मुझे गलत समझ रही हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा नाम कामिल नहीं है और दूसरी मैं आपको बता दूं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते मॉम। अब आधा घंटा उन्हें बर्दाश्त करना है तो ये सब कहना ही पड़ेगा। उनकी हालत देखें। मॉम आप कुछ खाएंगी क्या? हाय मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर। हाय जितने प्यार से तुमने मॉम कहकर पुकारा है मुझे। आहा सच बताऊं तो तुम मेरी प्यारी बेटी के काबिल ही नहीं हो दामाद जी। क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया? चुप हो जाओ मुझसे क्या पूछ रहे हो। मैंने तुम्हें अपनी इतनी खूबसूरत बेटी दी दामाद जी जो कि बहुत खूबसूरत है। आपको ये लड़की खूबसूरत लगती है? आपको ठीक से दिखता जो नहीं है। शाबाश मेरी बच्ची इसे इसी तरह खींच के रखा करो। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो जानती हैं अपने दामाद को हर वक्त बिला वजह की शिकायतें करता रहता है मुझे परेशान करता रहता है। कितना दुख दिया इसने मुझे। ये बिल्कुल गलत कह रही है सलीमा आंटी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके साथ। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्यों सलीमा आंटी? हाँ लगता है तुम्हारी तुम्हारे वालिद साहब ने तमीज नहीं सिखाई। मेरे बाबा को कह रहे हैं? अपने मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे हो? जो कहना है मेरे मुंह पे कहो। देखिए आप बुरा मत मानिएगा लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। आपकी बेटी ना तो कोई इतनी खूबसूरत है और उसकी जुबान तो इतनी लंबी है। हाँ? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। जब तुमने मेरी इतनी मिस्टेक्स बताई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स बताऊं। हाँ? सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे सलाम तक करना नहीं आता। ऊपर से ये मेरी इज्जत भी नहीं करती। जब भी घर जाता हूँ सर में दर्द की तरह रहती है ये लड़की मेरे। और आप पे तो सारी अच्छाइयां खत्म हो जाती है। इतना अच्छा दामाद तो अम्मी को मिल ही नहीं सकता था कहीं। मॉम आपका जो नाराज दामाद है जिसे मैं किसी भी वक्त खो दूंगी मैं नहीं जानती कि उसके बाद मैं क्या करूंगी। खैर आपको मैं क्या बताऊं एक दफा तो इन्होंने मुझे मारा भी था। मरते मरते बची थी मैं। ये क्या कह रही हो?